अरे के बात होगी भाई साहब, कह की सोच में पड़ रहा था। यार मैं कुछ सोच रहा हूँ पर उसमें तो मेरा एक बात समझ नहीं आ रही। अच्छा तो जरा मुझे भी बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो और उनमें से तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा। देख दिखा मतलब सुन। हाँ सुना। धर्म पिता मतलब अपना असली पिता नहीं। ठीक है बात। धर्म माँ मतलब अपनी असली माँ नहीं। यह भी ठीक है। धर्म भाई मतलब अपना असली भाई नहीं। हाँ। धर्म बहन मतलब अपनी असली बहन नहीं। यू भी समझ गया। पर धर्म पत्नी मतलब अपनी असली पत्नी। तो मेरा नू नहीं समझ आ रहा कि शास्त्र में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। बात तो खैर तेरी सोचना लिया। हाँ फिर जल्दी तो सोच रहा हूँ मैं। अरे मेरे ख्याल से पता ही क्या सिस्टम है। देख भाई भी आप इतने ज्यादा बना सका, बहन भी आप इतने ज्यादा बना सका, माँ भी आप इतने ज्यादा बना सका, बाप तो खैर इतने ज्यादा बना नहीं सकते। नहीं तेरा जी कर रहे हो तो बना ले भाई, मन तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं क्यों बनाऊ, बाप तो तना छेड़ी आया। अरे फिर मन तो पत्नी वाली छेड़ी थी, मैंने बाप वाली थोड़ी छेड़ी थी। अरे तो छोड़ पर सबरा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो सारा दिन बेला रहवानी तेरे दिमाग में, इस कर कहीं उल्टी सीधी बात आवा तो कुछ काम धंधा कर ले करना। अरे यार के करो काम धंधा, काम धंधा मुको नहीं मेरा बाग है। 36 काम शुरू कर लिए पर आज लग एक भी सिर चढ़ा है। जैसे कि देख, जैसे कि सबसे पहला मैंने शुरू करा नाई का काम। अच्छा तो नवी नवी दुकान थी, नवा नवा काम था। पहले ही दिन मेरे लोग आया एक जवान सा बुड्ढा। हैं ये जवान सा कौन सा बुड्ढा हुआ? अरे वो अरे कहीं मैं दिखाऊंगा तुम्हें किसी दिन। तो भाई वो आया, उसका सिर पर थे सिर्फ 8 बाल। अच्छा तो मनाया थोड़ा सा गुस्सा देख का मखयर यू के मजाक का। तो मैंने उस तनु कह दिया कि ये बाल गिनने आंख काटने हैं। अच्छा तो वो आगे तो बोला कि नहीं गिनने नहीं काटने, मैं तो इन पर कलर करना आया हूं। है ऐ के थी मेरा और पारा बद गया, मैंने ठाका उस तरह सारा के 8 बिटा दिए। अच्छा फिर क्यों आया? फिर के थी बाज गया जूत दे दड़ाक दे दड़ाक, पूरे पुणे 9 थप्पड़ लगे। मारे तो ना उसका? मन्ना उसका नहीं उन्ना मेरा है? यार मन्ना तो उसका जान का नहीं मारे अभी, क्योंकि दिखने में तो ऐ था वो जवान सा पर ऐ तो बूढ़ा था वो, तो इस करके मन उस पर ठाणा सही नहीं समझा। अच्छा बाकी यार उन्हें भी समझना चाहिए कि मन्नी बात मेरा नवा नवा काम था, पर इसका मतलब यूं थोड़ी है कि मैं अपना करियर की शुरुआत 8 बार तक करूंगा। बात तो खैर तेरी सही है भाई। फिर उसके बाद क्या करता ना भाई? बस उसके बाद क्या करता, उसके बाद मेरा मूड सा खराब हो गया, मैं दुकान बंद करके अपना घर भाग गया। अच्छा फिर मैंने अगला दिन आकर दुकान खोली। अगला दिन आ गया मेरे लोग एक सरज में अलकसी बंदा और आका इनू नैरनी चक्कर का बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा मखाम भाई बाल कटवाने हैं कि दाढ़ी कटवानी? तो बोले कि दाढ़ी कटवानी। मां चल फिर एक काम कर या नैड ऊपर उठा ले। तो आगा तो बोले कि यार इब नैड कौन ऊपर उठावागा, तो बालों काट दे। हैं फिर गए थी उसका साला मैंने कांडा दिया। ना तुम्हें कौन काट दिया उसका? और के क्यों यार मन्ना सोचेगी यू तो अलकसिया, यदि इसमें अपना सिर ठाने का सहारा नहीं है तो यू मेरे तक कहोगा। फिर कह नहीं कुछ गति की पूछ नहीं गया, उछल उछल का दड़ाक मारे साला ना। अच्छा और के बाकी यार तुम मेरे एक बात बता, तन्ना यह दुकान पूरी नॉलेज लेगा एक्सपीरियंस करका फिर खोली थी? अब मुंह ठाकर नहीं खोली थी? ले नू भी मुंह ठाकर दुकान खोल जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस लेकर नॉलेज लेगा फिर ही खोली थी। पर सॉरी किस्मत खराब है तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा मतलब तन्ने इस काम की पूरी नॉलेज आ? और के फिर भाई यार मेरी गाल पकड़ देना। बता क्या करना यार? पता क्या चक्कर, मैंने अपने चेहरे से जमी परेशान हो गया। यू मौसम का बदल दाल, इस मौसम के बदल दो यानी मेरे चेहरे पर डार्कनेस ऑयलीनेस पिंपल्स पता नहीं क्या क्या होने लग रहा है यार। अरे तो फिर इसमें टेंशन लेने वाली की बात आ, तो वह यूज करे करना मुस्टैच का स्किन लाइटनिंग कॉम्बो, वह तेरी सारी प्रॉब्लम का परफेक्ट इलाज है। हैं यू स्किन लाइटनिंग कॉम्बो क्या? अरे यू देख यू हवा कॉम्बो, इसमें हवा मुस्टैच का हर्बल स्किन लाइटनिंग ऑयल और स्किन लाइटनिंग फोम फेस वॉश। भाई साहब इस ऑयल में नहीं अर्दी और एलोवेरा के असली गुणा, इफ देखता ननु तो पता ही होगा कि ये दोनों कितनी नेचुरल चीज है। हाँ भाई नेचुरल तो हाँ। तो भाई साहब यू ऑयल तेरी स्किन ना लाइट और ब्राइट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यू ऑयल तेरी स्किन में इजिली ऑब्जर्व हो जाएगा। अच्छा ना यू तेरी स्किन ना अंदर तक क्लीन और मॉइस्चराइज भी करेगा और यू यूज करना भी बहुत ही आसान है। देख सबसे पहले तना ऑयल की 3-4 बूंद अपना हाथ पर लेनी और अच्छी तरह अपना फेस पर अप्लाई करनी, उसका 10 मिनट बाद तना हर्बल स्किन लाइटनिंग फोम फेस वॉश का अपना मुंह धो लेना। फोम फेस वॉश? आखो अर्दी अनरिचर्ड फोम फेस वॉश, उसमें जो येलो फोम हुआ नहीं उसमें रियल अर्दी के अर कहा जो कि तेरा चेहरा की स्किन ना इंस्टेंट ग्लो देवांगे और ब्राइट करेंगे और साथ ही हाइपर पिगमेंटेशन कम करका
और साथ ही स्किन टोन ना इम्प्रूव करागा। और इसमें एलोवेरा के भी यार रखा जो कि तेरी स्किन ना क्लियर रखेंगे। और तो और यू एक इनबिल्ट ब्रश का गेल लावा जो कि तेरा चेहरा की स्किन ना डीपली क्लीन करका सारे ऑयल डर्ट रिमूव कर देगा। और इसने यूज करने के बाद जो तेरा मजा आवागा नहीं भाई सब हुआ तो अपना मुँह तो बतावागा। वाह रे वाह, ये तो बड़ी मस्त चीज है भाई, ये तो मन्ना बीची है। पर इसने मंगावा कर दे। देख यार, हम तो इसने ऑनलाइन मंगावा, यू प्रोडक्ट तना फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर इजीली मिल जाएगा। और इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा और फर्स्ट कमेंट पिन भी कर रखा, उठा तभी तो इसने मंगवा सका। घर बैठे दो दिन के अंदर तना यू प्रोडक्ट मिल जाएगा। वाह वाह, या तो तना बहुत बढ़िया चीज बताई मैं मिलते, इसना तो मैं आज ही मंगाऊंगा। तो भाई साहब, तुम भी एक बार स्किन लाइटनिंग कॉम्बो ना जरूर ट्राई करूँ, मैं खुद भी इसना पर्सनली यूज करूँ जैसे तुम इतना गोरा चिट्टा हूँ, तो तुम भी एक बार इसने यूज करके देखो, थाना बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन भी है। पर यार तुम मेरे एक बात बता, जब तक इस काम की इतनी नॉलेज आ, इतना एक्सपीरियंस आ, फिर तो नहीं छोड़े क्यों? अरे बताना तो लग रहा है किस्मत खराब थी, पहले दोनों दिन तो जूत बाज गया तो बस फिर मैंने बंद ही कर दी दुकान। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने शुरू कराया वह नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम। उसमें शुरू शुरू से मैं तो नू लगा कि जनो मैं करोड़पति बन तक कोई रोक ही नहीं सकता भाई सब। कई दिन तो मैंने इस बात की टेंशन रही कि इतने पीछे का मैं करूंगा के। अच्छा रहा, फिर उसमें क्यों? उसमें क्यों था, थोड़े दिन बाद पता चला उसका असली चक्कर। दो इसमें तीन बंदे जोड़ने, चार बंदे का फुद्दू बनाना, पांच बंदे पता काम कराना, छह बंदे का पीछा पीछा फिरना, सात बंदे पता गाल खानी, आठ बंदे पता जूत खाने, नौ बंदे तो बचकर रहना भाई सब। उसमें भी पिट चीत कई पेंडा छूटा मारा तो। अच्छा मतलब समस्या गंभीर, फिर तेरे खातर तो कोई ऐसा काम देखना पड़ेगा जिसमें कोई ज्यादा झंझट ना हो। यार ऐसा कौन सा काम हो सका भी? हाँ ऐ एक काम, चल मेरे गेल। ले भाई, यू आ मेरे सेठ का छोरा, अब तन्ना इसका बॉडीगार्ड बनना। बन तो जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है। हैं? शर्त? शर्त कैसी? किसी ने भी पता नहीं लगना चाहिए भी मैं इसका बॉडीगार्ड हूं। क्यों? बस है कोई रीजन। चल कोई नहीं, मंजूर है तेरी शर्त, नहीं बताना है किसी दे। हां बस फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ले फिर नो कर, ई भी तो लग जा काम पा और मैं चलूं। ठीक है ठीक है। अरे हाइट कितनी है तेरी? क्यों तुम्हें क्या लेना मेरी हाइट से? मन्ना तो कुछ नहीं लेना, मैं तुम पूछूं। काम कुम की कर दो? कुछ नहीं। जिम कुछ नहीं करता? नहीं। जिम पहला रवा? हाँ। तो फिर एक काम कर ले करना। क्या? तो इतने निश्चा तो रवैया कीड़िया की चीनी के दाने ठुआन मैं कर दे करना। तुम्हें ये बकवास करने के लिए नहीं रखा मैंने नौकरी पर। अरे क्यों क्या तेरा कड़ा जाता हूँ? कहीं नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम मेरा कितना साथ रह सकते हो। अरे ये लड़ गया, तेरा चक्कर चुक रहा। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के लायक हो भी या नहीं। अरे तो पागल पुगल जा मर गई तेरी माना, इब जब बाय चांस मेरे ध्यान उड़ा पड़ा यू खोपरा फूट नहीं जाता हम खाई। अरे तो तुम इसलिए तो रखा है कि तुम्हारा ध्यान हर वक्त मुझ पे होना चाहिए और कहीं नहीं। तेरे मुंह में जबान नहीं है कि बोल नहीं सकता? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर से जाके पानी लेके आओ। तो फिर नू कह देना ये सेंस क्या तो लग रहा है मान। अरे एक मिनट, मैं क्यों लेके दूं तेरा पानी? मैं तो तेरा बॉडीगार्ड हूँ, तेरा नौकर थोड़ी हूँ। अरे ये कोई जरूरी थोड़ी है कि पानी नौकर ही लेके आएगा, पानी तो कोई भी पिला सकता है, ये तो पुण्य का काम है।
दिमाग तुम खराब है सब। मेरी कार मिली मेरे खातर है, तेरे चक्कर में मैं मर गया। बॉडीगार्ड मुझे बचाओ, बॉडीगार्ड जल्दी आओ, ये मुझे मार रहा है। बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड मुझे बचाओ, बॉडीगार्ड जल्दी आओ, ये मुझे मार रहा है। बॉडीगार्ड मैं आज ही इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बार भी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु इस बार तुम फेल हो चुके हो। हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था, और तुम्हारे जाते ही मैं एकदम से यहाँ सड़क पर इस गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या तुम मुझे इस गाड़ी की टक्कर से बचा पाओगे। किंतु तुम आए ही नहीं, और जब ये बैल जैसा इंसान मुझे पीट रहा था तब भी तुम बहुत लेट आए, और तुम्हारे लेट आने की वजह से मुझे 10-13 थप्पड़ भी खाने पड़े। इसलिए तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के लायक ही नहीं हो। गेट लॉस्ट। अरे बात जाना खड़ा था कि तेरी गड्डी अग्गा और के पता नहीं कहां तक एकदम टपक गयो। इसने बचाने के चक्कर में मैं मर गया हुंदा। ये चक्कर में गुस्से में पीट दियो। ये दादी का 5 किलो सांधी है इसकी का, पकड़ी ना मेरा सावन। यार बिस्मा मेरी रिपता की गलती है, मैं तेरे पहले नहीं कहूँ था कि मैं चाहे कोई सा भी काम शुरू कर लूँ, मन्ना गधा ऐसे ऐसे टू मीटर करा दे तो मेरा कोई काम सिरे नहीं लागता। भाई मन्ना दिखा तेरी तो कोई और ही समस्या। आप एक काम करा, मैं एक तांत्रिक बाबे ना जानू, आप उसके अलावा चला, वही सही से बताएगा कि तेरा क्या चक्कर है। यार तो जड़ा मर्जी ले चल, पर मेरा यू सिस्टम ठीक करा दे बस। अरे वाह, तो एक मिनट में सही कर देगा, तो चल मेरे गल। नमो भगवते। बाबा जी, बाबा जी क्या है? कुछ नहीं बाबा जी, वो आप ध्यान लगाए बैठे थे नहीं तो अपना जगावा थे बस। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों जगा रहे थे, क्या परेशानी है? बाबा जी यू मेरा दोस्त था। अच्छा तो ये परेशानी है, कोई बात नहीं, आज के बाद इसको तुम्हारा मौसा बना देता हूँ। अब बाबा जी यह परेशानी नहीं है कि यू मेरा दोस्त था, मेरे कहने का मतलब है कि यू मेरा दोस्त था, इसने कुछ परेशान नहीं है। अच्छा बताओ बच्चा क्या परेशानी है? बाबा जी मेरा काम नहीं चल रहा। अच्छा कितने साल का है तुम्हारा काम? मेरा मतलब है कि तुम्हारा बेटा काम कितने साल का है जो चल नहीं पा रहा? अब बाबा जी इसके कहने का मतलब वह नहीं है, इसके कहने का मतलब है कि करने वाला काम, जब भी कोई काम धंधा कोई बिजनेस शुरू करा नहीं वो किसी न किसी गड़बड़ के चलते बंद हो जा। अच्छा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे बस में नहीं होने की, ये दुनिया पित्तल दी और बेबी डोल में सोने की। बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत अधिक उपद्रव मचा हुआ है, थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा। भट्ट गिलगिली छू स्वाहा सीमा हैदर विनोद जेसीबी की खुदाई, मैं पूछता हूँ अपनी शक्तियों से तू क्या कर सकती है मेरे लिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बेटा तुम्हारे घर को बहुत सारी बुरी शक्तियों ने घेर रखा है, ऐसे अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी क्या करना पड़ेगा बाबा जी? एक काम करना, कल अपने घर के आंगन की मिट्टी लेकर आना, तभी मैं अच्छे से बता पाऊंगा कि तुम्हारी क्या समस्याएं हैं और उनका उपाय क्या है। ठीक है बाबा जी। ठीक है बाबा जी। अरे यू बाबा कर देगा मेरा पक्का सिस्टम सेट। करेगा क्यों नहीं,
भाई साहब ये तो बहुत जानने माने तांत्रिक का, मैं एक बंदे ने और लेकर आया था इसके अलावा, उसकी नहीं अपनी बहू गला जमीन ही मने करा थी। फिर लगी बनन बनन लगी भाई साहब, आधी दर्जन छिड़क टैगी हो रही हूँ कहीं। अच्छा रहा, बस तो टेंशन लेवा, यू तेरा भी इलाज पक्का कर देगा, पर तो नहीं अपने घर की कला याद करके माटी ठा लाइए। ठीक है हाँ। तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो। हाँ बच्चा ले आए अपने घर की मिट्टी। हाँ बाबा जी, ये रही मेरी मुट्ठी में, लो इसे मेरे हाथ पर रख दो। ए मेरी शक्ति उठ, क्यों बैठी है मौन, जल्दी बता हम आपके हैं कौन। कौन था बब्बई हो कभी? तुझसे नहीं पूछा बे, मैं अपने मंत्र पढ़ रहा हूँ। हे मेरी शक्ति, जिस घर की मिट्टी मेरे हाथ में है, बता इस घर पर किसने क्या किया, इस घर से किसने क्या लिया और किसने किसको क्या दिया। ओ माय गॉड, जस चिया चिया जस चिया। आहा ओके ओहो ओके ओके ओ माय गॉड। बच्चा सिस्टम ज्यादा खराब है, सुन सकेगा जो मैं बताऊंगा? हाँ बाबा जी बताओ। तुम्हारे दो बच्चे हैं। अच्छा। और दोनों तुम्हारे नहीं हैं। हाँ? और तुम्हारी पत्नी के भी चाल चलन ठीक नहीं है, वो सारा दिन तुम्हारी चुगली करती रहती है, और तुमने भी बहुत से लोगों को लूटा है, उन सब की हाय भी तुम्हें लगी हुई है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है मेरे पास। लगता है बेचारे को बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। हाँ पापा जी बताओ क्या उपाय। उपाय तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन 11,000 रुपए लगेंगे। पापा जी पीछे तो मैं अपना 15,000 दे दूंगा, पर एक बार आप भी सुन सकेंगे जो मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बच्चा बोलो जो भी मन में है। पापा जी जब मैं घर आए नहीं तो नहीं मेरा मेरा घर कंगनी मिट्टी को नहीं ध्यान रही, मैं तो बर्तन धोया तेरा घर कंगनी मिट्टी ढाल रहा था। दुष्ट राम राम भाई सारे ना, कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई है तो ना लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और चैनल ना सब्सक्राइब भी करो, और अगर थम भी अपना चेहरे पर पिंपल या फिर ऑयली स्किन की समस्या था परेशान ना, तो यो मुस्टैच का स्किन लाइटनिंग कॉम्बो जरूर यूज़ करो, मैंने खुद भी यो पर्सनली यूज़ करके इसका फर्क देख रखा है, इसी करके मैं थर थर लग रहा हूं। तो प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी, इब्बो जाकर ऑर्डर कर लो।